हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इनफिनाइट फूड। आज हमारे किचन में बन रहा है एक नॉन वेज स्टार्टर स्नैक्स, जिसका नाम मैंने रखा है चीज़ स्टफ्ड मीटबॉल्स। बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। इसी के साथ ही हम एक वेज सैलेड भी बनाएंगे और एक हर दिल अजीज मिंट और दही वाली चटनी भी बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट वाली। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है। इसमें हम एक बाउल के करीब पुदीना ऐड करेंगे, कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देंगे। इसमें स्टेम के साथ ही ऐड कर दिए, मैंने धोकर रखी थी। 12 से 13 हमने इसमें लहसुन के जवे ऐड कर दिए हैं। एक छोटा टुकड़ा मैं इसमें जिंजर ऐड कर रही हूँ। 5 से 10 हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दिए हैं। एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। एक चम्मच ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे हम। 1 लेमन जूस हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा आइस क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। इस चटनी में आइस क्यूब्स इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हरा धनिया और पुदीने का कलर इंटैक्ट रहे, ख़राब ना हो। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, चटनी तो हमारी बहुत बढ़िया से प्रिपेयर हो गई है। यहाँ हमने एक बोल लिया है, इसमें मैं 1 कप के आसपास दही ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम अपनी ये चटनी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी चटनी हमने बचा ली है इसमें। इसे हम अच्छी तरह से विस्क कर देंगे और ये चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। ये वही चटनी है जो बाहर मार्केट में रोल्स के साथ भी मिलती है। बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है ये। तो चलिए इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें हम चिकन कीमा ऐड कर रहे हैं। ये लगभग 500 ग्राम के आसपास है। ये बारीक चिकन कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए, अब मैं इसमें 5 से 6 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी हमने चॉप करके लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे चॉप की हुई। थोड़ा सा हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ। ये एक लार्ज प्याज ली है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच रेड चिली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच गरम मसाला। 1.5 चम्मच इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें जायफल को ग्रेट करके ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो वो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा, आधा टीस्पून के करीब। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देते हैं। ये भुना हुआ बेसन है हमारे पास में, 1.5 टेबल स्पून ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। 2 टीस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, कीमा प्रिपेयर हो गया हमारा। अब हम इसकी मीट बॉल्स बनाएंगे। ये हमने अमूल वाली चीज़ क्यूब ली है। इसके हम 1x4 पीसेस कर देंगे। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, जो हमने चटनी बनाई थी, मैंने 2 टीस्पून चटनी ली है। इस चीज़ क्यूब्स को हम इस चटनी में कोट कर लेंगे, फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये देखिए, मैं इसे इस तरह से कोट कर लेती हूँ सारी चीज़ क्यूब्स को। चलिए, ये भी अच्छी तरह से कोट हो गई हैं। अब हम अपनी मीट बॉल्स बना लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, इससे इजीली बन जाता है। हाथ पे पहले ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा कीमा लेंगे हाथ पे और एक बोल शेप में बनाएंगे इसको इस तरह से। अब इसके बीच में एक चीज़ क्यूब रखेंगे और इसको इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर चली जाए इसके। थोड़ा सा मीट इसमें और लगा लेंगे और इसे एक गोल सी शेप दे लेंगे। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हमें इसे बंद करना है ताकि चीज़ हमारा बाहर नहीं आ जाए तब हम इसे फ्राई करें। तो दूसरा प्रोसेस भी इसी तरह कर लेंगे। देखिए, चीज़ को इसके अंदर स्टफ़ करेंगे, अच्छी तरह से इसे बंद कर देंगे और इसे गोल शेप दे लेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और अपनी मीट बॉल्स बनाते जाएंगे। देखिए, मैंने सारी मीट बॉल्स बना ली हैं चीज़ स्टफ़ करके। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था पहले ही। ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अगर रखे हुए शेप थोड़ी ख़राब हो जाए तो आप डालने से पहले इसको थोड़ा सा हाथों में लेकर इस तरह से रीशेप कर लें और तब इसको ऑयल में ऐड करें। ये देखिए, मैं अब इसको ऑयल में ऐड कर देती हूँ फ्राई होने के लिए। बस इतनी रहने देते हैं, ओवर क्राउड नहीं करेंगे इसको। थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह ऑयल ड्रिजल करेंगे ताकि इवनली कुक हो जाए अंदर से भी।
गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये निकाल लेते हैं हम, हमारी हो गई है ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया इन पे अच्छा सा। चलिए अब इसी प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं इसको रीशेप करके ऐड कर रही हूँ इसमें। ये भी हमारी प्रिपेयर हो गई हैं, इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम सैलेड प्रिपेयर करेंगे। सैलेड के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें बटर ऐड करी। अब हम इसमें अपनी कुछ जूलियन कट वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिया है गाजर और ये हरी वाली शिमला मिर्च ली है, रेड बेल पेपर और थोड़ी सी हमने कैबेज ली है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। हीट को हमने हाई रखा है इस टाइम। 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून चाट मसाला एंड 1 पिंच ही सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। चिली विनेगर है मेरे पास में, 2 टीस्पून चिली विनेगर इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे सौते करेंगे अच्छी तरह से। हाफ मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया है, बस 2 मिनट इसे और सौते करेंगे फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए सैलेड भी हमारी प्रिपेयर हो गई है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी पैन को हमने ले लिया है और इसे साफ कर लिया है हमने। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है बटर, इसको मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मलाई ऐड कर रहे हैं, अमूल क्रीम है ये, अमूल फ्रेश क्रीम जो टेट्रा पैक आता है ये मैंने वो यूज़ की है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए स्टिर करेंगे। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया है, ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो ऐड करें। अब हम इसमें अपने मीट बॉल्स को ऐड कर देते हैं और मीट बॉल्स को इसमें कोट कर लेंगे। बटर और मलाई का कॉम्बिनेशन इसे एक वेलवेटी फ्लेवर देगा जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो देखिए मीट बॉल्स भी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। हीट को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ढककर रख लेते हैं। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए प्लेटिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ चटनी ली है जो हमने प्रिपेयर की थी। फोक से मैंने इसको इस तरह कर दिया थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए। थोड़ी हमने सैलेड में अनियन ली है, अनियन ऐड कर देंगे। अपनी स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसमें मीट बॉल्स ऐड करेंगे। कोरिएंडर लीव्स हम इस पे ऐसे रख देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये दिखने में। लेमन ऐड कर दिया हमने इसमें, अनियन को भी रख देते हैं इस तरह, मज़ेदार सा लगेगा ना इस तरह दिखने में। थोड़े से हमारे पास तिल हैं, इससे हम इसकी टॉपिंग करेंगे, थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। अभी मुझे प्लेट में कुछ कमी लग रही थी तो मैंने रेड सॉस भी ऐड कर दिए इसमें। तो देखा आपने कितने बढ़िया से हमारे स्टफ चीज़ मीट बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज है और इसको आप एक स्टार्टर स्नैक के तौर पे बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं आप। वैसे ये रेसिपी मैंने खुद क्रिएट की है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ घर पर इसे ट्राई ज़रूर करना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से आऊँगी एक नई सी किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।